सभी ध्यान से सुनो, महामारी की बीमारी चारों तरफ फैल गई है, कई लोगों की मौत हो गई है। हमें इस मुसीबत से दुर्गा माँ बचा ले, इसीलिए गांव के बीचों बीच तीन हांडी में प्रसाद बना के माँ की आराधना करेंगे, क्योंकि माँ ही हमें इस मुसीबत से बचाएगी। तो सभी लोग इसमें शामिल हो। लंबी यात्रा करके आई हूँ, थोड़ा सा प्रसाद मिलेगा। सुनो, ये माँ के चढ़ावे के लिए है, बांटने के लिए नहीं, इसलिए तुम्हें नहीं दे सकते। तुम यहाँ नहीं आई हो, इस गलती के लिए माँ से माफ़ी मांग लो। अरे ये क्या बोल रही हो तुम, घर आए अतिथि भगवान के समान होते हैं, उन्हें मना नहीं करते। मैं सही कह रही हूँ ना? वो प्रसाद चढ़ावे के लिए है, आप ये खा लीजिए और उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। माँ अम्बे, माँ दुर्गे, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ कर देना। इस महामारी की वजह से पूरे गांव के लोग तकलीफ में हैं। इस महामारी से हमारी रक्षा करो माँ। ये आपके लिए है दीदी, लीजिए खा लीजिए। ये मुट्ठी भर अनाज मुझे देकर आज तूने इस गांव को बचा लिया है। मैं ही हूँ बेटा। दीदी आप अभी यहीं पर हैं, आप यहाँ से गई नहीं? यहाँ महामारी फैली हुई है, आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं। मुझे इस महामारी से कैसा डर, मुट्ठी भर अनाज लेकर मैं इस गांव के कर्जदार हो गई हूँ और ये कर्ज तो चुकाना ही होगा। नीम की पत्ती दिन में भी पी सकते थे ना, तो फिर रात में क्यों पीस रही हैं? जो महामारी फैली है वो सुबह होने से पहले पूरे गांव को बर्बाद कर देगी, इसीलिए आधी रात को ये नीम की पत्तियां पीस रही हूँ। हम तो इंसान हैं, हम क्या कर सकते हैं भला, सिर्फ देवी माँ ही अब हमें इस महामारी से बचा सकती है। ले बेटी, ये दवा तैयार हो गई है, इसे गांव के हर घर के बाहर छिड़कती हुई गांव की सरहद तक चली जाना और बचा हुआ वहां डाल देना। ये क्या कह रही है आप, आधी रात को गांव में पानी छिड़कने भेज रही है, मेरे घर का ख्याल कौन रखेगा? इसकी फिक्र मत करो, फिलहाल सबसे जरूरी इस गांव को महामारी से बचाना है। तुम्हारे इस घर में लौटने तक मैं इसका ख्याल रखूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। पक्का आप कहीं नहीं जाएंगी ना? मैं वचन देती हूँ, जब तक तुम वापस नहीं आ जाती मैं तुम्हारे घर में ही रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो कसम खाओ मेरी। कसम खाती हूँ। एक और बात, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। ठीक है, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी, लेकिन मेरे घर का ख्याल रखना।
हे देवी माँ, इस महामारी से हमारे गांव की रक्षा करना। अरे बाप रे, मैंने तो उनसे खाने का पूछा ही नहीं। पहले जाके उन्हें खाना खिला देती हूँ, फिर आकर पूरे गांव में पानी छिड़क दूंगी। दुर्गा माँ है। अगर देवी माँ हमेशा यही रह जाए तो इस गांव में कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी, लेकिन मेरे घर जाते ही माँ यहाँ से चली जाएंगी। मैं कसम खाती हूँ, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। माँ ने कसम खाई है कि जब तक मैं घर नहीं जाऊंगी वो वहीं पर रहेंगी। मैं माँ को कहीं नहीं जाने दूंगी। देवी माँ हमेशा यही रहेंगी। रहूंगी, मैं हमेशा यही रहूंगी। तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा पुत्री, मैं दुर्गा माँ के रूप में यही रहूंगी। मैंने जैसा तुझे वचन दिया है उस प्रकार इस गांव की देवी बनकर मैं यही रहूंगी। चक्कर लगा रही हूँ और ये सब किस लिए कर रही हूँ? ताकि आपका मंदिर जल्द से जल्द बन जाए। जो जो मुझसे हो सकता मैं कर रही हूँ। पंचायत ने मंदिर में जेवर देने का वादा किया था और अब सब मुकर गए हैं, मानो जैसे मैं उन सब की किडनी मांग रही हूँ। अगर उन्होंने जेवर दे देना मां, तो मैं तेरे लिए पूरे 101 दिन व्रत रखूंगी। भवानी, सब अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ही माँ की आराधना करते हैं, और तुम माँ के लिए माँ से प्रार्थना कर रही हो। सुबह मंदिर का द्वार खोलती हो, यहाँ की साफ सफाई करती हो, जिस श्रद्धा से तुम ये सब करती हो शायद ही कोई इतनी श्रद्धा से पूजा करता होगा। ऐसी बात नहीं है बाबा, देवी माँ सबका ख्याल रखती है, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोचता। वो सब हमारे लिए ही तो करती है। जैसे मुझ अनाथ को अपनाया, गाँव के मुखिया ने तो मंदिर के नाम पर पैसे इकट्ठे किए और खुद का आलीशान घर बनाया। माँ ने उससे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे सपने में आकर मुझसे इस बारे में बात की। जैसा तुम्हारा माँ अम्बे से प्रेम है, वैसा प्रेम तो किसी भक्त का नहीं है। उनकी बेटी हो तुम। पंडित जी, आखिर माँ के अलावा मेरा है ही कौन? मेरे अच्छे बुरे का ख्याल यही रखती है। सुबह सुबह एक कान के पास आके चिल्ला दिया। तेरी तो माँ तो मुर्गी को ऐसे खा रही है जैसे मुर्गे ने इनकी जायदाद मांग ली हो। ये हमारे पड़ोसी राजू जी की मुर्गी है। अरे राजू सुबह से हल्ला मचा रहा है कि उसकी मुर्गी कहाँ गई। अरे मैं पड़ोसियों की मुर्गियों को ऐसे ही थोड़ी दाने डालती थी। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। तुम में से किसी ने मेरे साथ दगाबाजी की ना, तो तुमको भी ऐसे ही चबा जाऊंगी। अरे नहीं है नीलिमा जी, अरे नहीं है
छोटी लड़की कहाँ ना नहीं है। अच्छी बात है, मैं तो पैसे देने आया था, घर में कोई है ही नहीं। पैसे? मैं हूँ। कितने रुपए पैसे दे दो। रुको। हट। इधर देखो। मैं बेवकूफ दिखता हूँ क्या? हाँ? मेरे पास दिमाग नहीं है। बोलो। मैंने 32 खून किए, अदालत में जज के भी टुकड़े कर दिए थे। आम के बगीचे के लिए एडवांस दिया था, 2 साल हो गए, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। राजा थोड़ा सबर रख, ये पूरी जायदाद सूरज के नाम पे है। है तो वो मेरा दूर का रिश्तेदार, लेकिन वो मुझे मानता बहुत है, मेरी बेटी का दीवाना है। शर्मा गई। जैसे ही वो डॉक्टर बन के गाँव लौटेगा ना, छुटकी की शादी उससे करवा दूंगी, फिर हम दोनों माँ बेटी इस हवेली पर राज करेंगे। सारी जायदाद मेरे कब्जे में होगी और वो तेरा रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। तब तक सुकून से जीने दे मुझे, बार बार आके टॉर्चर मत कर मुझे। वो यहाँ आए या मरे मुझे उससे कोई मतलब नहीं। 10 दिन के अंदर आऊंगा, मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, नहीं तो भरे बाजार में तुम सबकी किडनियाँ भेज दूंगा और अपने पैसे वसूल कर लूंगा। और हाँ, इसे धमकी मत समझना, करके दिखाऊंगा। ये क्या, तूने हमें इस मौत के कुएं में क्यों ढकेल दिया है? हमें मौत के कुएं से निकालने के लिए मेरा लाडला है ना। क्लीन चामुंडाय विच्छय जाग चंडाल जाग, चांडाल अंधेरे में करता हूँ ताता थैया। चांडाल क्यों बुलाया मुझको? तूने कहा था कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा मैं। मुझे लगा था कि मुझ पे पैसों की बारिश होगी। तूने जो भी कहा सब कुछ किया मैंने, हर एक चीज की मैंने। तभी तो मैंने तुझे खजाने की झलक दिखाई थी, मगर वो तो गायब हो गया। लेकिन मिट्टी को सोना बनाने के लिए सिर्फ आग ही काफी नहीं होती है। तो अब क्या तुझे खून से नहलाना पड़ेगा? ये सब पाने के लिए तुझे बलि देनी होगी। मेरी भूख मिटाने के लिए तुझे 16 साल की कुंवारी लड़की की बलि चढ़ानी होगी। जिस वक्त कब्रिस्तान में घना अंधेरा छाया होगा, तब उस लड़की को जिंदा दफना देना। उसके बाद चंडाल उसे आहिस्ता आहिस्ता पूरा निगल जाएगा। फिर ये पूरी दुनिया तेरी गुलाम बन जाएगी। मालिक, चाय हाथ से गिर पड़ी, मैं फिर से लेकर आता हूँ। बाप रे, चाय गरम है या इनका शरीर? गोपाल कृष्ण जी, आप घर पे हैं क्या? गोपाल कृष्ण नहीं, गोरख। तू कौन है? मैं राइस मिल के मालिक धर्मेंद्र जी की बेटी हूँ। मैं 12th class में पढ़ती हूँ। 5 दिन बाद मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लगता। आप तो मिट्टी को छू के सोना बना देते हैं, आसमान से पैसों की बारिश कर देते हैं, हर कोई यही कहता है। तुझे क्या चाहिए? क्या आप मेरे होने वाले एग्जाम के क्वेश्चन पेपर मुझे दे सकते हैं क्या, प्लीज? मैं किसी की मर्जी से काम नहीं करता, लेकिन तू बहुत भोली है, इसलिए ये ले। मेरे क्वेश्चन पेपर्स? ये क्या मजाक है, मुझे क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, न्यूज़पेपर नहीं चाहिए। ये आज का न्यूज़पेपर नहीं है, जरा एक बार इसे गौर से देख नादान लड़की। आज से 2 महीने बाद 12वीं का जो रिजल्ट पेपर में आने वाला है, ये वही पेपर है। खोल कर देख इसे, तू 1st class से पास हुई है। सच में? देखो, 9, 9, 5, 9। हाँ, मैं तो सच में 1st class से पास हुई, ये तो कमाल हो गया। तेरा भोलापन देखकर ही मैंने तुझे परीक्षा में पास करवाया। मैं जिंदगी भर किसी को भी जवान बनाए रख सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी जिंदगी भर के लिए जवान और खूबसूरत बनाए रख सकता हूँ। क्या कहा आपने, मैं हमेशा ऐसे जवान रहूंगी? हाँ लड़की, जिंदगी भर। जिंदगी भर के लिए, लेकिन अगले 4 दिनों तक तुझे वही करना होगा जो मैं कहूँगा। बताइए क्या करना है। ये नींबू तुझे तकिए के नीचे रखकर सोना होगा। नारियल को दरवाजे पर बांध देना। मटके में आग रखनी होगी और तुझे हमेशा चांडाल मंत्र जपना होगा। बोलो,
चंडाल की जय हो, चंडाल की जय हो, चंडाल की जय हो, चंडाल की जय, चंडाल की जय हो, चंडाल की जय हो, चंडाल की जय हो, चंडाल की जय हो, चंडाल। अपनी पसंद की बलि तो तूने खुद मेरे पास भेज दी। ये नदी का पानी लाल क्यों? वो ज्यादा बारिश होने की वजह से पानी लाल हो जाता है। अच्छा, 5 साल पहले यहाँ ब्रिज बनाने वाले थे, उसका क्या हुआ? वो हमारे गांव में बनने वाला था लेकिन पड़ोस वाला गांव में बना दिया। सूरज बाबू, ए तुम लोग सब जाओ, मैं आती हूँ। भवानी, तुम तो पहचान में नहीं आ रही। हाँ, सूट बूट पहनकर आप भी तो पहचान में नहीं आ रहे। एक बात बोलूं, आप पर तो ये चश्मा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप आने वाले हो ये पता था, पर आ जाओगे ये नहीं पता था। मैं तो गांव से बाहर जा रही थी। आप डॉक्टर बन गए हैं ना? हाँ, लेकिन 1 साल और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस तो होती रहेगी, हमारे लिए तो आप डॉक्टर हैं। आ गया बाबूजी। ए सब आ जाओ, डॉक्टर बाबू को उठा के ले जाना है। नहीं नहीं, मैं खुद चल के जा सकता हूँ। अरे नहीं नहीं बाबूजी, पूरे गांव में कीचड़ है, पैदल जाने के बारे में सोचना मत। अरे जल्दी आओ, उठाओ इन्हें, चलो चलो। अरे जल्दी उठाओ ना। अरे संभल के, गिरा मत देना। नमस्ते कीजिए, इस तरफ। देखो हमारे डॉक्टर साहब आ गए, चलो चलो इन्हें प्रणाम करो। आओ आओ। अरे घर से बाहर निकल कर इन्हें नमस्ते करो। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। नमस्कार। आओ आओ जल्दी आओ। अरे डॉक्टर बाबू आए हैं, नमस्ते करो। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते कीजिए। कल मुझे आरती ले आ, मेरा सूरज, मेरा डॉक्टर सूरज आ गया, किसी की नजर ना लगे। माँ नजर उतार लीजिए। आज तो तू ही उतार दे नजर। इधर की नजर उधर। क्या करिए, ऐसे नजर उतारते हैं क्या? तू इसे पकड़। भगवान आपको सबकी बुरी नजर से हमेशा बचा के रखे, आप हमेशा खुश रहें। ए, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी के हाथ से थाली छीनने की? तेरा रिश्ता क्या है इसके साथ? मेरा रिश्तेदार है, मैं करूंगी जो करना है। अरे दीदी, तिलक लगाने के लिए रिश्तेदार होना जरूरी नहीं है, बस दिल साफ होना चाहिए। भवानी, शाम को मंदिर में मिलते हैं। आना जरूर डॉक्टर बाबू, खास आपके लिए पूजा है। ए भवानी, अपने घर जा और वहाँ नौटंकी कर, यहाँ पर नहीं। क्या हुआ डॉक्टर बाबू, चौंक गए क्या? ये नोटों की बारिश मैंने की है। बंद करो ये सब, बोल बोल के थक गया हूं मैं। ये फालतू काम छोड़ दो, कितनी बार बोला तुम्हें, उल्टी खोपड़ी कहीं के। कुछ अच्छा करो, जिंदगी सुधारो। ओ हीरो, पहले खुद तो पूरी तरह डॉक्टर बन जा, फिर मुझे सुधारने की बात करना। देख अब किस तरह मैं तुझे नंगा करता हूँ। तुम कब आए? वो गए और मैं आया। चंडाल तेरा भला करे। पहले अपना भला तो करवा ले। चंद जरा बाजार जा कर। अरे ठंडी हवा ले रहा था मैं। आई नहीं, मेरे कपड़े लुट गए, बर्बाद हो गया, मुझे बचाओ, मैं कहीं का नहीं रह रहे। अच्छा सुनो हेमावती, सूरज बाबू डॉक्टर बनकर गांव में आ गए हैं। अच्छा। अब अपने से कोई भी दवा मत खा लेना, कोई भी तकलीफ हो तो पहले डॉक्टर बाबू को दिखाना। और सुन, हर छोटी मोटी चीज के लिए डॉक्टर बाबू के पास मत चली जाना, समझ गई? अरे अरे, ये मैंने क्या कर दिया, मैं उधर देख के फेंक रही थी। इसे पकड़ो। अरे ये मैं, अरे डॉक्टर बाबू, अरे मुझे, तेरे की, अरे भवानी, ओ भवानी। आप कौन है? अरे डॉक्टर बाबू आप। हमेशा खुश रहो बेटा। ये क्या बेटी, तूने डॉक्टर साहब को रख दिया पूरा? अच्छा सुन, मंदिर की सफाई करके उसे फूलों से सजा दे, तब तक मैं माँ को चढ़ाने के लिए प्रसाद ले आता हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ डॉक्टर साहब, जाते हुए देवी माँ के दर्शन जरूर कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल। तुम्हारे कपड़ों का रंग भी पीला हो गया है, अगर इन कपड़ों में देवी माँ के पास जाओगे तो तुम्हारी हर मन्नत पूरी होगी, तुम तो नसीब वाले हो। ऐसे होली में कभी नहीं। उससे क्या फर्क पड़ता है, चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, चलो। कल अमावस है, तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए कल का दिन आखिरी है। अच्छा, कल आखिरी दिन है। ध्यान से सुन, कल तुझे सारा दिन उपवास रखना होगा,
कल सुबह आँख खुलने से लेकर रात के 12 बजे तक तुझे चंडाल मंत्र का जाप करना होगा। आधी रात को बिना किसी को बताए ठीक इसी जगह पर आ जाए। ध्यान से सुन, अगर तुझे अपनी खूबसूरती बरकरार रखनी है तो मेरी बात माननी होगी, क्योंकि मुझे ही वो विधि पता है। उस विधि के बाद चांडाल खुद आकर आशीर्वाद देगा तुझे। कल रात के बाद से ही तेरी जवानी जिंदगी भर के लिए ठहर जाएगी। सब अकेले कर रहे हो, मैंने मदद के लिए कहा तो मना कर दिया। अच्छा, आपने जो कहा था वो हो तो जाएगा ना? जरूर होगा। आप जल्दी विधि पूरी कीजिए ना, मुझे घर जाना है। जिंदा नहीं होगी, कुछ पल और रुक जाती तो मेरी पूजा सफल हो जाती। बस ये इस पे चढ़ा देता तो मुझे मेरा मनचाहा वरदान मिल जाता, पर तूने आके सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुझे देख, चलो। उस करमचारी ने मेरे साथ दुश्मनी मोल ली है। मुझे कसम है,
अगर कल जज साहब ने मेरे भाई को सजा दी तो उस लड़की की जिंदगी में नर्क बना दूंगी। गवाहों के बयान के मुताबिक मुलजिम गोपाल कृष्ण ने सुगना नाम की लड़की को जमीन में जिंदा दफना के उसकी हत्या कर दी, लिहाजा कोर्ट मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुनाती है। इस गांव में रहने लायक नहीं रखूंगी उसे, ऐसा बदनाम करूंगी कि जिंदगी में किसी से नजरें ना मिला पाए। आ तुझे बताती हूँ क्या करना। बचने के लिए तुम लोगों को एक विधि करनी होगी, नहीं तो तुम लोगों का सर्वनाश निश्चित है। इस गांव में जन्मी हुई एक लड़की ही इस समस्या का समाधान है, सिर्फ वही तुम्हें बचा सकती है। हम नादान लोग कैसे समझेंगे माँ? एक जुआरी लड़की को पूरे निर्वस्त्र स्थिति में तुम लोगों को उसे 3 दिन तक पूरे गांव में घुमाना होगा। याद रहे, उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो ये तूफान तुम्हें खा जाएगा। वो लड़की तुम लोगों के बीच में ही खड़ी है, कुछ ही पल में उसकी साड़ी अपने आप जलने लगेगी। थोड़ी ही देर में तुम लोगों को पता चल जाएगा कि वो लड़की कौन है, क्योंकि वो यही खड़ी है। कुछ ही देर में उसकी साड़ी अपने आप जलने लगेगी। देखो मेरी महिमा, भवानी का पल्लव चल रहा है। अरे अरे अरे, क्या लड़ रही? तुमने अपनी बेटी को सत्य के रूप में दिखा दिया माँ। तुमने अपना संकेत दे दिया माँ, यही है वो लड़की जो तुम सबको बचाएगी। उसके रास्ते में हल्दी का पानी डालो, डालो। इस लड़की को हल्दी लगाओ, माथे पे कुमकुम लगाओ, कुमकुम लगाओ, लगाओ। आरती उतारो इसकी, उतारो। लड़की को ले जाओ, ले जाओ, प्रदक्षिणा करो। अब से और इसी वक्त से भवानी मेरी बीवी है, और अब ये कुंवारी नहीं रही तो ये इस पूजा में शामिल नहीं होगी। तुमने मेरी इज्जत बचाने के लिए ये सब किया ना, तुम मुझसे शादी तो नहीं करना चाहते थे, बोलिए ना। नहीं, दूसरे लोगों की तरह तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है भवानी, ऐसी सोच तो यहाँ के सभी लोगों की है। मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की है, किसी के बहकावे में आकर नहीं की है। मेरे पास तुम्हें बचाने के लिए और भी कई तरीके थे। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर आया। माँ,
भवानी हाँ? हमारे अमेरिका जाने का सारा बंदोबस्त हो गया है। ये लो पकड़ो पासपोर्ट। किताबों की क्या जरूरत है? किताबें नहीं है, इसके बिना हम विदेश जा ही नहीं सकते हाँ? इसलिए इन्हें संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। ओफो, अगर पति पत्नी की एक ही किताब होती तो कितना अच्छा होता। अगर गलती से ये खो भी जाए तो हम दोनों साथ तो होंगे ना। ठीक है, गवर्नमेंट को बोलता हूँ, लेकिन इसे संभाल कर रखना। संभाल कर रखना। अच्छा, तुमने सामान पैक कर लिया ना? अरे कब का कर लिया, वो देखो। कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं गई? एक चीज भूल रही हो। क्या? मोहल्ले वालों को भी उठा। जितना हंसना है हंस ले, सारा हिसाब होगा। सुनती हो? तुम्हें देखकर मुझे डर लग रहा है। ऐसे गुस्सा रहोगी तो एक दिन पागल हो जाओगी। चुप रहो, मैं पागल होने वालों में से नहीं हूँ, पागल करने वाली हूँ, वो भी सूरज की बीवी को। बस देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। कैसे करोगी? कल वो दोनों तो उड़न छू हो जाएंगे, विदेश जाएंगे ना। जाएगा सिर्फ सूरज ही, भवानी नहीं। क्या हुआ भवानी, तुम्हारा पासपोर्ट तुम्हें मिल गया? पासपोर्ट मुझे कहीं नहीं मिल रहा। कोई नहीं, रोने की जरूरत नहीं, हम बाद में चले जाएंगे। अरे ये क्या कर रहे हैं? आपके पास आपका पासपोर्ट है तो आप चले जाइए ना। तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर जाने में मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा। क्या मेरी वजह से आप नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, आप बिल्कुल जाएंगे। आप मेरी वजह से नहीं जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपके भविष्य के बीच में नहीं आना चाहती। आपको मेरे सर की कसम, आप जरूर जाएंगे। आप जाएंगे ना? क्या बात है, एक दो कौड़ी की लड़की से शादी करके उसे यहाँ छोड़कर अमेरिका चला गया। तुम तो बड़ी डींगे मार रही थी, अब बता कैसे होगा मेरा रजिस्ट्रेशन? अपनी बकवास बंद कर, मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। जल्दी पूरे जायदाद की मालकिन बनूं। लगता है मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इधर देख। ये क्या किया? तो इसे तुमने छुपा के रखा था? अरे उसे चली जाने दिया होता, हम लोग प्लान करके सारी दौलत हड़प लेते ना। चुप बैठो जी, कब क्या और कैसे करना है मुझे सब पता है। अब वो अपनी जिंदगी मेरे मुताबिक जिएगी, एक पागल की तरह पूरे गांव की सड़कों पर दौड़ेगी और पूरे गांव के लोग उसे पत्थरों से मार मार के बेहाल कर देंगे। उसके बाद उसे इसी घर की छत से लटका दूंगी, पूरे गांव वालों को ये यकीन दिलाऊंगी कि उसने खुदकुशी की। खत आया था, बता रहे थे कि अमेरिका में बहुत सर्दी पड़ती है। क्या बात है भवानी, पौधों में पानी की जगह दूध डाल रही हो, दिमाग खराब हो गया है? अरे, मैंने तो पानी भरा था। अरे बहू क्या हुआ, तुम पौधों में पानी की जगह दूध डाल रही हो? देखा आपने, जब से सूरज गया है पता नहीं इसे क्या हो गया है। नहीं नहीं ऐसा। भवानी भवानी, ये क्या अनर्थ कर दिया, ये काम तो दानवों का है। क्या? महालक्ष्मी गाय को ले जाके गांव के सीमा के पास उसकी बलि चला दी। अम्मा अम्मा, ये देखो खून, और ये भवानी के कमरे से मिला। तू तो देवी की रक्षक है, ये भक्षक का काम तूने क्यों किया? ये मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया, ये मेरा काम नहीं है, ये मैंने नहीं किया, मुझसे कोई गलती हुई है, जरूर कुछ हुआ है। संभालो इसे। क्यों कह रहे हैं, तूने ये सब नहीं किया है, शांत हो जा। ये पानी है, सब पापा पानी अंदर चल, आ जा, शांत हो जा, शांत हो जा बहू। बहू तू घबरा मत, लगता है तुझे ना किसी की बुरी नजर लग गई है। मेरे पास ना इसका तोड़ है, मैंने सारी तैयारी कर ली है।
12 बज चुके हैं और अब मैं तेरी नजर उतार के तुझे इस मुसीबत से बचाऊंगी, समझी? आजा, चल अंदर चल, घबरा मत। आखिर माजरा क्या है, इतनी रात गए क्यों टहल रही हो, नींद नहीं आ रही तुम्हें? ऐसी बात नहीं है, दीदी मेरी नजर उतारने के लिए यहाँ लाई है। वहाँ है दीदी, दीदी कह रही थी आजा बेटा मैं तुम्हारी नजर उतारती हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। दीदी यहीं पर तो थी। दीदी गलतफहमी हुई है तुम्हें, तेज बुखार होने की वजह से पट्टी बांध के मेरे बगल में सोई है। क्या कह रहे हैं आप, उसे होश बिल्कुल नहीं है। दीदी मेरे साथ आई थी, मुझे पता है। क्या करूं, खुद अपनी आँखों से देख लो, चलो जोर से दबाना, देखो पड़ी हुई है। चली गई दीदी, यहाँ है तो मैं किसके साथ? ये तुम्हारा दिमागी वहम है, बेहतर यही होगा कि तू उनके साथ सो जा और मैं यहाँ पे सो जाता हूँ। नहीं नहीं मैं अपने कमरे में ही जाके सोऊंगी। जैसा ठीक समझे, घबराना मत बेटा। कब से इंतजार कर रही हूँ तेरा, आ तेरी नजर उतार दूँ। चिंता क्यों नहीं है भवानी? भवानी ये क्या पागलपन है, काबू रखो अपने आप पे। अरे बहू, अरे बहू क्या तुझे, बहू क्या हुआ, बोल मुझे, तू ठीक तो है ना? अरे कहाँ, कौन है, तू चल अंदर बता मुझे, दिखा ना, आजा आजा अंदर। अरे डर मत, आजा अंदर, चल आ ना, दिखा मुझे, यहाँ तो कोई भी नहीं। कहाँ, कोई भी नहीं है वहाँ, मैंने उसे देखा था, मेरी बात मानिए, मैंने देखा था उसे। अरे तू शांत हो जा बेटा, मत आंसू बहा, मत आंसू बहा, यहाँ कोई भी नहीं है बहू, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा था वहाँ। अब क्या करें, ये अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है, क्या करें? नहीं नहीं मेरा यकीन करो, एक मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है बाबा? बेटा भवानी, सूरज बाहर गया है ना, इसीलिए तू ऐसा सोचती है, माँ का आशीर्वाद है ना तेरे साथ, फिर डरना कैसा, घबरा मत, मैं हूँ ना तेरे साथ, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। हमने मन्नत मांगी थी कि जैसे ये शादी हो जाएगी हम माता के दर्शन करेंगे, कल सुबह ही सारी तैयारियां करके इसे माता के दर्शन करने भेज दूंगी। क्या प्रसाद की जगह पत्थर रख दिया तूने? पत्थर तो हमारे लिए है, उसके लिए तो ये प्रसाद है, तभी तो गांव वाले उसे पागल समझेंगे। बेटा भवानी आजा, बहू मैंने सारी तैयारियां कर दी है, अब तो जल्दी से मंदिर जा। तू मुझे इस तरह घूर क्यों रही है? कुछ नहीं दीदी। अरे वाह, प्रसाद तो अच्छा है, मैं थोड़ा सा खा लूं। अभी मैंने आरती नहीं की है, एक बार आरती हो जाए उसके बाद आप प्रसाद खा लेना। हे देवी माँ, सभी लोग इस पत्थर को प्रसाद बोल रहे हैं, ये तो पत्थर है ना देवी माँ, आखिर ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे जीने का कोई मकसद नहीं, मैं मरना चाहती हूँ, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ माँ। पेट से है और मैं यहाँ इसकी शादी तोड़ने के सपने बुन रही थी, लेकिन इसने तो नहले पे दहला मारा है। नीलिमा बहन, पोस्ट ऑफिस में सूरज बाबू का अमेरिका से फोन आया है। हाँ, 5 मिनट बाद फिर से फोन करेंगे, भवानी को आने के लिए कहा है। अरे भी तो बुलाओ। हाँ डॉक्टर साहब, दीदी बस अभी अभी आई है, लीजिए बात। हाँ कराता हूँ, ये लीजिए।
हेलो सूरज, कैसा है तू? मैं दीदी बोल रही हूँ, तू ठीक तो है ना? समय पे खाना खाता है ना? अब भवानी ठाट है उसके, तो राज कर रही है यहाँ पर। अच्छा रखती दीदी, उनका फोन आया था। अरे तूने आने में इतनी देर क्यों कर ली? अभी उसने फोन रखा। ऐसे कैसे? हेलो डॉक्टर बाबू, मैं भवानी बोल रही हूँ, मुझसे बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए। बेटा उन्होंने फोन काट दिया है, रख दिया है उन्होंने। मुझे उनसे बात करनी है, मुझे उन्हें सब कुछ बताना है। काफी दिनों से उनका कोई खत नहीं आया और बात भी नहीं हो पा रही, मुझे एक दफा तो फोन करने दीजिए ना। मैंने कहा ना उन्होंने फोन रख दिया है, क्यों ले रही हो बार बार? ले जाइए नहीं यहाँ से। मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है भाई। अरे क्या हो गया? हुआ तुझे? चुप हो जा। तो समझाइए ना इन्हें। आप कीजिए हाँ। मुझे उनसे बात करनी है दीदी। घर चल। मुझे उनसे बात करनी है। क्या करनी है? समझाइए ना इन्हें। तमाशा लगा रखा है। उनका जरूर फोन आएगा। घर चल। उनका जरूर फोन आएगा। तमाशा बना रही हूँ। करेंगे। बंद करो। अरे क्या कर रही हो? हेलो। ये क्या किया? सरकारी फोन तोड़ गया इसने। इससे पहले कि केस बने ले जाइए इसे, और अगर नहीं ले गए तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा मैं। अरे दे दा। बंद करो, बंद कर दरवाजा। चलो। गांव वालों के सामने ये साबित कर दिया कि ये पागल हो चुकी है। आज रात हम सब मिलकर इसे फांसी दे देंगे और इसका खेल खत्म, और सारे गांव वालों को ये बताएंगे कि भवानी ने खुदकुशी कर ली है। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि भवानी ऐसा कर सकती है। ये पंडित यहाँ कैसे आया? चलो ड्रामा शुरू करें। अरे क्या हो गया? देखा आपने पुजारी जी, बहुत बड़ा अलर्ट हो गया जी। चलो उसके पास चलते। नहीं बिल्कुल नहीं, वो अपना संयम खो चुकी है पुजारी जी, कहीं आप भी उसे पागल समझ के पीटने न लग जाओ। क्या बकवास कर रहे हो? भवानी, भवानी मैं आ गया हूँ बेटा, अब घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, इतनी ध्यान रख मेरी बच्ची। मुझे एक दफे उनसे फोन पे बात करनी है, मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मुझे ये खुशखबरी देनी है उन्हें, बस एक बार मेरी उनसे, सिर्फ एक बार मेरी बात करवा दीजिए, बस एक बार। हाँ बेटा मैं करवाता हूँ ना बात। मुझे यहाँ, मुझे बहुत, मुझे मुझे बहुत डर लगता है यहाँ। मैं आपके साथ रह सकती हूँ? मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहती। इन्हें क्यों तकलीफ दे रही हो बहू? खामखा परेशान होंगे। मैंने इसे बचपन से पाला पोसा है, और अपनी ही बच्ची का ख्याल रखने में तकलीफ कैसी है? ऐसे वक्त पर पुजारी जी भवानी के पास होंगे तो बेहतर होगा, बुरे साए से महफूज रहेगी भवानी। कल दुर्गा अष्टमी है, आदि शक्ति के चरण तेज का दिन, इसी दिन दुष्टों के संहार का आह्वान किया जाता है। कल भवानी पूरी निष्ठा के साथ देवी का व्रत करेगी, इसका बुरा चाहने वाले और इसका बुरा करने वाले लोग इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, माँ इसकी अवश्य रक्षा करेगी। इस व्रत को पूरा करते ही भवानी के सर से हर बला टल जाएगी और भवानी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। ये मेरी बनाई कहानी नहीं है, और ना ही मैंने ये किसी से सुना है, ये माँ दुर्गा के व्रत का विधान है जिसका फल हमें मिलता है। इसे पीते ही उसे नशा चढ़ जाएगा, खुद को संभाल नहीं पाएगी और आग में जलकर मर जाएगी। अब तुझे बताती हूँ, देखती चल। Thank you.
बहू, तुम्हें घर से निकलने से पहले ये पवित्र जल पीना पड़ेगा, ऐसा पंडित जी का आदेश है। बेटा क्या हुआ? आंखें खोल मेरी बच्ची, आंखें खोल। भवानी, मैं आ गई हूं, उठ जा। फिक्र की कोई बात नहीं, माँ ने तेरा तप और तेरा व्रत सब कुछ स्वीकार कर लिया है, अब तेरी राह में कोई मुश्किल नहीं आएगी, माँ हर मुश्किल आसान कर देगी मेरी बच्ची, यकीन रख। हमें लगा था ये लड़की नशे की हालत में आग में गिरकर जल जाएगी, लेकिन ये तो बच निकली, सत्यानाश हो। माँ दुर्गा की मूर्ति को मूर्ति समझे थे पर वो देवी निकली। चुप। खामोश। तुम लोग अपना दिमाग मत चलाओ, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, पकड़ो गला काट दो। तुम लोगों के दिमाग से नहीं, मैं अपने दिमाग से सोचूंगा। ये क्या? तू चुप कर। जैसे ही तुम्हें मौत की खबर मिले तुम रोना शुरू कर देना। कुछ नहीं करना है वरना इल्जाम हम पर आ जाएगा। भवानी के मरने की खबर सूरज को जरूर मिलेगी, लेकिन अभी नहीं, उसे जलाने के बाद। अरे अरे क्या हुआ उस लड़की को,
बाप रे बाप, कितना खून बह रहा है, जल्दी उठाओ इसे। आराम से, कुछ नहीं होगा बेटी तुझे, बस लेटा दो इसे। ठीक है। हे माँ, कितना खून बह रहा है, बेटा मुझसे बात करो। इसके तो हाथ पैर ठंडे पड़ते जा रहे हैं, अब क्या करें, कैसे बचाएं इसे। सुनो बेटा, इसकी हालत बहुत नाजुक है, तुम लोग जल्दी से जाओ और डॉक्टर को लेकर आओ। ठीक अच्छा है। पानी, पानी। इसे प्यास लगी है, अब क्या करूं मैं। हे माँ, मुझे माफ करना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तेरे चढ़ावे के लिए लाए इस पानी से मैं इस बच्ची की प्यास बुझा रही हूँ, मुझे माफ कर देना, इस लड़की को बचा लेना। पी लो बेटी, पी लो, थोड़ा और पी लो। माँ दुर्गा, ये तो जल बसी, न जाने किसकी बेटी है ये, मेरे सामने इसके प्राण चले गए। ये क्यों रुक गए? कौन सा नाम बताऊं? रतन प्रिया, बुद्धि देवी, मातंगी देवी, जया देवी, हर कोई मुझे अलग अलग नाम से बुलाता है। अब मैं चलती हूँ। तुम मुझे अपने घर ले चलो ना, तुम जो भी काम कहोगी वो मैं कर दूंगी, बदले में थोड़ा सा ही खाना दे देना। मुझे अपने घर ले चलो ना। अच्छा ठीक है। आ रही है, वो आ रही है। तो बन गई, आ रही है। मैं रोता हूँ, रोना शुरू। अरे चुप, वो देखो सामने।
लीजिए प्रसाद, ले लीजिए। चलो मुन्नी। सोई थी, सुबह इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मुझे सारे काम जो करने थे, देर से उठती तो कैसे करती? अब से तुम घर का एक भी काम नहीं करोगी, बस सिर्फ दिल लगाकर काली की पूजा करो। तुम्हारा व्रत पूरा हुआ, अब तुम एक काम करो, सुहागन स्त्रियों को अपने घर बुलाकर उन्हें भोजन कराओ और उनका आशीर्वाद लो, जिससे तुम्हारी प्रसूति आसानी से हो जाए। माँ, सुना तुमने? वो भवानी सुहागनों को अपने घर खाने पर बुला रही है और खाना खिलाने के बाद उन सबको दक्षिणा भी देगी। अच्छा, दक्षिणा देगी? पहले इस दहलीज के अंदर कोई आके तो दिखाए, तब देखूंगी मैं। पता नहीं मैं इतना सारा खाना कैसे पकाऊंगी। मुन्नी, चावल देखो ना, पक गए क्या? कैसे आना हुआ? भवानी ने भोजन के लिए बुलाया। देखो तो इस घर की हालत पहले क्या थी और अब क्या हो गई है। क्या हुआ? अरे वो पागल हो गई है, तुम सबको पता तो है, उसने बुलाया और तुम सब यहाँ मुंह उठा के चली आई। सुहागनों को खाने पर बुला और वो ना आए तो कितना अशुभ माना जाता है पता है? न्योता देने से पहले ही कुछ सोचना चाहिए था ना। अरे ये शुभ अशुभ तू भूल जा, हम लोग बांट के खा लेते, बाकी फेंक दे। हाँ, सही कह रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए दीदी, वो लोग जरूर आएंगी। देख भवानी, मैं और 10 मिनट तक उनकी राह देखूंगी, वरना सारा खाना फेंक दूंगी, समझी? काशी अन्नपूर्णा देवी, अपनी पांचों बहनों को साथ लेकर भवानी के घर भोजन के लिए आइए।
हमेशा खुश रहना। हम अब चलते हैं। ठीक है। इसे तुम मत उठाओ भवानी, माता को भोग चढ़ा दिया ना, तुम जाकर उनकी आरती करो। जाओ भवानी। ए, वहाँ खड़े क्यों हो? यहाँ आकर ये सब उठाओ। क्या हमसे कह रही हो? तुम ही उठाओ। हम लोग क्या चपरासी नजर आते हैं? उठाना होगा। क्या हो रहा है? मेरा पैसा वापस करो। पैसा? तुम अब तक मरे क्यों नहीं भैया? मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता, समझ गई ना? तुम भूत लग रहे हो। मैं भूत हूँ क्या? भूत के नाखून लंबे होते हैं। भूतों की जुबान लंबी होती है, गर्दन भी अलग हो सकती है। मम्मी बचाओ, भागो, भागो, पापा बचाओ। पता नहीं इन सबके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कल तक मैं परेशान थी और आज ये लोग परेशान हैं। बेचारे। बेचारे क्यों कह रही हो? महाभारत में कौरवों ने पांडवों को जलाने की कोशिश की, पर उस आग में वो खुद ही जलकर राख हो गए। जो हर वक्त दूसरों का बुरा करने के बारे में सोचते हैं, उनका नाश होना निश्चित है। अगर ये मेरे पास होते तो मैं खुद को अकेला महसूस नहीं करती। हर पल मुझे उनकी याद आती है। न जाने डॉक्टर बाबू कब वापस आएंगे। भवानी, वो जल्दी ही आ जाएंगे। क्या हुआ सर, प्रैक्टिस में अभी 6 महीने बाकी, आप मुझे भेज रहे हैं? हाँ सूरज, तुम्हारी प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है और अब तुम एक बेहतरीन डॉक्टर बन चुके हो। वी आर टोटली सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस। माँ जी सुनिए। अरे सब सुनो, सूरज बाबू लौट के आ रहे हैं। कल शाम होते ही पहली फुर्सत में आ जाएंगे। तू पहले दरवाजा खोल। आने दे उसे, अब मजा आएगा। कल सूरज उसे खुद घर से बाहर निकालेगा। अबे ओ, क्या हुआ, ऐसे क्यों चल रहा है? मेरी तो डर के मारे जान निकल रही है। जान निकल रही? अबे तू डरना बंद कर घोचू, और जिस काम के लिए आया है वो पूरा कर ले, तो तेरे साथ हमारा भी गला कट जाएगा, समझा? खड़ा हो की जान लोगी क्या? चुप हो जाओ, गौर से सुन, जैसा कहती हूँ वैसा कर, नोटों की बारिश कर दूंगी। अरे धत, पहले टकाटक नोट तो दिखाओ मुझे। भवानी उस कमरे में है तो शुरू हो जाओ। अंदर जाओ और शुरू हो जाओ। सही है, दबे पाओ अंदर जा, अंदर से कुंडी लगा और सुहागरात बना। तुम लोग मेरा टाइम खोटा क्यों कर रहे हो? मेरा और भी अपॉइंटमेंट है, मैं सुबह सुबह 2 सिटिंग करके आया हूँ, फिर भी यहाँ आ गया। तुझे पैसे नहीं चाहिए क्या? पैसों की बात सुनते ही मूंछ में ताव देने का मन करता है। तो क्या मैं जल्दी से अंदर जाकर अपना मीटर डाउन कर लूँ? हीरो हीरालाल, जो करना है अंदर जाके कर। ठीक है, आज तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं बहुत ताकतवर और शातिर इंसान हूँ, मैं पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अरे वाह, इस गजरे की खुशबू से तो कमरा महक गया है। चल राजा कुंडी लगा ले। तुम कौन हो? तेरा आका।
चल भिड़ा ले मुझसे टाटा। अम्मा बचाओ। यहाँ सब ठीक है ना? मैंने सुना है इस बार फसल बड़ी अच्छी हुई। रुक जा सूरज, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, अंदर मत जाना। अब हमारे पुरखों का घर पवित्र नहीं रहा, इज्जत नीलाम हो गई। तौबा तौबा, अपनी पसंद से शादी करने से ऐसा ही होता है समझे? क्या कहूँ तुझसे, अंदर अंदर मत जाना। बचा बचा, तू देख नहीं पाएगा, नहीं देख पाएगा। रुक जा, यही बुलाती हूँ उसे। ए कुलक्षिणी, दरवाजा खोल, बाहर निकाल। मेरा काम तो हो गया, चलो रोकड़ा निकालो। चुप रे। अरे ये क्या, यहाँ मजाक मजाक में तो बहुत लोग आ गए हैं। नमस्ते नमस्ते। देखा ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था, बताओ मुझे। ए कलमुही, बाहर निकाल। बेशर्म कहीं की, तेरी असलियत सामने आ गई। बाहर आ, घर की इज्जत को बेच दिया इसने। देखा तूने सूरज? अरे आप, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। भवानी तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेशर्मी। ए यहाँ क्या कर रहा है तू? चल यहाँ से निकल निकल, याद इंसान, निकल यहाँ से। रुको, अगर इनसे गलती हुई है तो सुधारनी तो पड़ेगी ही ना। हम इनकी शादी करवा देते हैं तो कोई बदनामी नहीं होगी। क्या बोला तूने? फूलन की इससे शादी करवा दीजिए तो दोनों खुश रहेंगे। मुझे मंजूर नहीं। मंजूर क्यों नहीं है? अभी तो तुम कह रही थी इस लड़की की वजह से घर की इज्जत नीलाम हो गई है। देखो बेहतर यही होगा, इस बच्चे की बात मानकर इन दोनों की अभी शादी कर दो। ये लीजिए, माँ दुर्गा के मंदिर से ये पवित्र मंगलसूत्र लाई हूँ। ध्रुवम ते राजा वरुणो, ध्रुवम ते वो बृहस्पति, ध्रुवम त इंद्रश्चाग्निश्च राष्ट्रम धारयतः। मंगलसूत्र पहना। मांगल्यम तंतुनानि नाम मम जीवन हेतुना, कंठे बद्धामि शुभगे त्वं जीव शरदां शतम्। क्या हो गया? ॐ शांति शांति शांति। नहीं छोड़ूंगी इसे, इस मनहूस लड़की से ऐसा बदला लूंगी कि इसकी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। आवाज नीचे कर, कुछ भी कर लेकिन इल्जाम हम पे नहीं आना चाहिए। आज रात इसे बोरी में बंद करके मंदिर के पीछे वाले तालाब में फेंक दो। क्या है, नींद में से उठा दिया? अरे जरूरी काम है। क्या है कि यहाँ पे सारे काम उल्टे हो रहे हैं, इसलिए हम लोग नजर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तू नजर बट्टू को उठा के तालाब में फेंक दे, जल्दी जा। आल तू जलाल तू, आय बला को टाल तू। आल तू जलाल तू, आय बला को टाल तू। आल तू जलाल तू, आय बला को टाल तू। और ये गया पानी में। आल तू जलाल तू, आय बला को टाल तू। आल तू जलाल तू। मुझे क्षमा करें माँ, मैं आपको पहचान भी नहीं पाया।
नए गहने मैंने तो जीवन में नहीं देखे। ओ, क्या? और ये सब अब हमारे हैं। तुम निकालो, उठाओ, जल्दी बांधो इसे। अच्छा, जल्दी करो। तो मर चुकी होगी। लो उठाओ, जल्दी उठाओ। ये रुपए भी उठाओ। ये सारा खजाना हमारा है। ये वो वैसी नहीं। वो सारा माल गोल करके चलेगी। अब वो नहीं आएगी। अब नहीं आएगी। आ गई, आ गई। देखो कौन आया है, हमारी रानी बिटिया। मुन्नी क्या हुआ था, तुम कहाँ चली गई थी? तूने सारे गहने क्यों चुराए? आखिर ये चोरी क्यों करेंगी भला? अबे ओ, आप चोली खेल रहा है हमारे साथ। आधी रात को कहाँ गया था इसके साथ? जेवर और पैसे कहाँ रखे? बताओ बताओ। बोल रे, बोल, जल्दी बोल। गला दबा दूंगी, बोल। ऐसी नौबत आएगी, कभी सोचा भी नहीं था हमने। जिंदगी बर्बाद करने चले थे उसकी, लेकिन हम ही बर्बाद हो गए। सत्यानाश हो उस बच्ची का जो उसका साथ दे रही है। अरे आहिस्ता बोल, अगर सुन लिया तो हमको भी गांव से बाहर फेंक देंगे, भीख मांग के खाना पड़ेगा। ये दैत्य बहुत शोर मचा रहे हैं। मेरे भक्त बहुत खुश है और इसीलिए मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ भक्त नीम के तोरण बांधे, सच्चे मन से मेरी पूजा करे और मेरी भक्ति में दिल से नाचे। आप तो पूरे ब्रह्मांड की देवी हैं, आपको क्या कमी है? आप चाहेंगी तो सारे देवता नीचे उतरकर खुशी खुशी आपकी पूजा करेंगे। माँ पूजा करवा लीजिए ताकि ये पूरी धरती आपकी भक्ति में लीन हो जाए। अरे भवानी, पूरा गाँव बारिश के लिए तरस रहा है। हमारी यात्रा करने से बारिश होगी नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए, पूरे जहाँ की रक्षा वो करती हैं, तो हमारी क्यों नहीं करेंगी? सारे गांव वाले उन्हें भूल गए हैं, इसीलिए सूखा पड़ा हुआ है। सुनिए, हमारे वहाँ जाने से हमारा अच्छा जरूर होगा और गांव वालों का भी अच्छा होगा। हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए। अगर तुम माँ दुर्गा पर इतना यकीन करती हो तो पहले उनसे कहकर बारिश करवाओ, उसके बाद ही मैं यात्रा करूँगा। गांधी जयंती के मौके पर रिहा करने वाले कैदियों की लिस्ट में तुम्हारा भी नाम है। यू आर लकी। ये लो। यहाँ आदेश करें माँ। ये लो, इसे अपने पास रखना। ये क्या है माँ? रक्षा सूत्र। जब कभी मैं यहाँ ना रहूं और तुम्हें लगे कि कोई मुसीबत आई है तो इसे बांध देना। तेरे जाने के बाद मेरी जिंदगी
क्या हो गई है देख भैया? क्या सोच रहे थे तुम लोग मैं अकेली हूँ? लौट के आ गया है मेरा भाई, अब बताती हूँ, नहीं छोड़ूंगी, है ना भैया? अब तक नहीं सुधरी तू, ये भले लोग हैं इसलिए तुम दोनों को छोड़ दिया, मुझ जैसे होते तो कब का तुम दोनों को जमीन में गाड़ देते। अपने कर्मों की सजा मैं जेल में ही काट रहा था, पर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। मेरे अच्छे बर्ताव के कारण उन लोगों ने मुझे रिहा कर दिया। मैं तुम लोगों के साथ रहने नहीं आया, मैं तो बस भवानी से माफी की भीख मांगने आया हूं। मैंने जो पाप किए उसकी सजा मुझे मिल गई है, वहां पर मैं मिर्गी का रोगी बन गया, लेकिन यह सजा मेरे लिए काफी नहीं। मुझे तो किसी लावारिस कुत्ते की तरह किसी सड़क पर कट कर मर जाना चाहिए था। मर जाना चाहिए, 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 मर जाना चाहिए। अरे कोई तो बचाओ इसे, भैया क्या हो गया? अरे कोई तो मदद करो, अरे कोई तो बचाओ मेरे भाई को, अरे बचा लो, अरे बचा लो मेरे भाई को, मदद करो इसकी, मदद करो। भैया भैया मुझे माफ कर दो। गोपाल कृष्ण, ऐसी हालत में तुम कहाँ जाओगे, यहीं रुक जाओ ना। नहीं भवानी नहीं, मुझ पर तरस मत खाओ, इस रोग से कहीं किसी सड़क पर मर जाओ तभी मुक्ति मिलेगी मुझे, माफ कर दे। ए गोपाल कृष्ण सुनो, अब तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे आ गया ना, ये सब जादू टोना छोड़कर यहाँ आराम से रहो, मैं तुम्हारी नौकरी भी लगवा देता हूँ। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं एक डॉक्टर की हैसियत से बोल रहा हूँ, मत जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब है। जाने दो मुझे, अब मैं नहीं रुक सकता। तुम्हें मेरी कसम। क्यों मुझ पर तरस खा रहे हो, मैं इसके लायक नहीं हूँ भवानी। मेरा भाई नाटक कर रहा था। जब तक भवानी को खत्म नहीं कर देता मेरी असलियत का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। भवानी की मौत अब मेरा इकलौता मकसद है। चांडाल मुझसे पहली पली मांग रहा है, भवानी की कोख में पल रहे बच्चे की। आज की रात उस बच्चे की आखिरी रात है। चांडाल की जय। भवानी चलो चलो, चलो, चलो। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी घर आई है। इस घर में कोई दिव्य शक्ति है, तुझसे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है वो, पता कौन है वो?
बता बता मुझे कौन है वो। तेरी असलियत चांडाल ने मुझे बता दी है। मैं जान गया हूँ कि तू कौन है। जब जान गया है तो मेरे सामने क्यों खड़ा है? इस गोरख की शक्ति का अंदाजा तुझे नहीं है। अब इस बच्चे के साथ तेरी भी बलि चांडाल को चढ़ाऊंगा मैं। तेरे जैसे बहुत से गोरख देखे हैं। कितनों को भयानक मौत दे चुकी हूँ। माँ दुर्गा के गले में मुंडों की माला देखी है ना? हे, तेरी खोपड़ी अपने गले में माला की तरह पहनूंगा मैं। हमारे लिए यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। हम यहाँ से जा रहे हैं। चल अपना सामान बांधो। बोल मुन्नी, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो तूने किया। अगर गलती की है तो सजा जरूर मिलेगी। ये बहुत बेहुदा हरकत है। बड़े और छोटों में फर्क नहीं है तुम्हें? भवानी, ये सब तुम्हारी करतूत है। किसी भी अजनबी को घर उठा के ले आती हो। बच्ची है लेकिन बहुत बकबक करती है। अभी से इस बच्ची की ऐसी अजीब हरकतें हैं, बड़ी होके पता नहीं क्या करेगी। इसे हमें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। ये बाल अपराधी की सजा काटेगी तभी इसका दिमाग ठिकाने आएगा। इसे अभी पुलिस स्टेशन छोड़ कर आओ। सुनिए सुनिए, ऐसा मत कीजिए। आप लोग जो समझ रहे हैं वो वैसी नहीं है। वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। कैसी है वो? आप मेरा यकीन कीजिए, वो अच्छी है। इस बच्ची को तुम अच्छी कहती हो? हा? अगर ऐसी बात है तो मैं खुद इसे अभी जाने के लिए कहूंगी। आप गुस्सा मत कीजिए। मुन्नी, तुझे घर छोड़ के जाना होगा। कोई नहीं चाहता कि तू यहाँ रहे, इसलिए तू चली जाए यहाँ से। भवानी, तुम्हें इस बात का डर है कि ये लोग मुझे परेशान करेंगे? मुझे क्या परेशान करेगा कोई? मैं तो खुद इनके साथ खेल खेल रही हूँ। मैं कौन हूँ? मैं सूर्य की ज्योति हूँ जो तुम्हें दिखती है। और ये लोग, ये तो एक नंबर के मूर्ख है। क्या कहा? तुझे कोई शर्म वरम है कि नहीं? देख सूरज, बदतमीज, बड़ों से कैसे बात करते हो तुझे पता नहीं है? अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन ले चलता हूँ। तुझे यहाँ से भेजना अच्छा नहीं लग रहा, पर तुझे यहाँ कोई भी पसंद नहीं करता, इसलिए तुझे जाना होगा। मुझे माफ कर दे। अंधेरे में फंसकर तुम स्वयं दीपक बुझा रही हो भवानी। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुझे लोगों ने इतना बुरा भला कहा तभी नहीं जाएगी। तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पर तुझे मैं अपने साथ नहीं रखूंगी। तो मुझे चाहे कितनी भी दूर ले जाकर छोड़ दे, मैं तेरे पीछे पीछे ही आऊंगी। अब मेरी बात सुन, जब तक मैं तुझे खुद तेरे माथे पे टीका लगा के तुझे ना बुलाऊं तब तक तू लौट के मत आना। और अगर फिर भी तू वापस आई तो मेरी लाश इस नदी में मिलेगी तुझे। तुझे मेरी कसम है मुन्नी, अब जाना। क्यों भवानी, मुन्नी तो यहाँ से चली गई है। तूने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। उसकी वजह से मैं इस घर में कुछ नहीं कर पा रहा था।
मेरा चांडाल भी इस घर में आने से डरता था। मैं बिल्कुल बेबस हो गया था, इसलिए षड्यंत्र रच के मुन्नी को भगा दिया मैंने। नहीं, मैंने कहां भगाया, तूने भगाया उसे। चांडाल मुझे वरदान देने ही वाला था कि तूने मेरी साधना बिगाड़ दी। अब तुझे इसका हिसाब चुकाना होगा। जेल में मैं जितना भी तड़पा हूँ, तेरे पति से, तेरे बच्चे से और तुझसे उसका पूरा हिसाब बराबर करूंगा। खून के आंसू रोएगी तू भवानी। जेल से छूटते ही तुझे मार देना चाहता था, लेकिन उस बच्ची ने तुझे मुझसे बचा लिया। पर अब वो यहाँ नहीं है। मेरी सिद्धि के लिए जो कुछ भी मुझे चाहिए वो अब तू देगी। नर्क में जलाऊंगा तुझे, और जब तू हाथ जोड़कर मुझसे दया की भीख मांगेगी, मेरे पैरों पे गिर के रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, मुझसे माफी मांगेगी, तब पूरा होगा मेरा बदला। तब मैं तुझे बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। तेरी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। तेरा वो हश्र करूंगा कि तू खुद अपने हाथों की, हाँ, खुद अपने हाथों की नस काटेगी और तड़प तड़प कर मरना चाहेगी, पर तुझे मौत नहीं मिलेगी। भैया सुन तो, जरा मुर्गे को हलाल तो कर दे। चांडाल, चांडाल, आजा, तेरा भक्त तुझे बुला रहा है, जल्दी आ, आजा। क्या करने वाला है, चल बता इसे। सताऊंगा, जरूर सताऊंगा। और इसकी जिंदगी को? फिक्र मत करो, इसकी जिंदगी को नरक बना दूंगा मैं। मैं नहीं जाऊंगा, भवानी की जान लिए बिना नहीं जाऊंगा। मत जाओ। नहीं जाऊंगा। मत जाओ। नहीं जाऊंगा। मत जाओ। नहीं जाऊंगा। मत जाओ। नहीं जाऊंगा। अरे भैया मेरा काम तो कर दे, चाकू नहीं मिल रहा है। चाकू की जरूरत नहीं है, मेरा हाथ काफी है, जा यहां से। अब सुन भवानी, देखना तू भी अपनी जिंदगी के लिए तड़पने वाली है इस मुर्गे की तरह। कैसी बातें कर रही हो भवानी? तुम्ही ने कहा उसे घर में रख लो, है ना? अब उसे घर से बाहर निकालने के तरीके ढूंढ रही हो? ये कैसी बचकानी बातें कर रही हो? ये गलत है। किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते तो कम से कम उसके लिए बुरा मत सोचो। थोड़ा दिमाग से काम लो भवानी। भवानी, बिटिया क्यों रो रही है? नजर लग गई है इसे, बहुत तड़प रही है, सुबह से ही रो रही है मेरी बच्ची। मैं देवी माँ की पूजा करूंगी और कुएं के पास जाकर इसकी नजर उतारूंगी। मैं देवी माँ की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। देखो, ये अंधविश्वास के चक्कर में मेरी बेटी को यहाँ वहाँ लेके मत घूमो तुम। कल सुबह इसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। सब ठीक हो जाएगा, मैं अभी आती हूँ।
बच्ची को माँ के आशीर्वाद के लिए कुएं की मुंडेर पर रख दिया। अगर वो खुद बच्ची के पास रहती तो ऐसा हादसा नहीं होता। मेरी बच्ची, ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब मेरी गलती है, मेरी वजह से आज मेरी बच्ची। भवानी, अगर तुम यूं ही रोती रही तो सूरज का क्या हाल होगा? बेटा सूरज, तुम अस्पताल चले जाओ, थोड़ा मन बहल जाएगा। भवानी, मैं कुछ देर के लिए हॉस्पिटल जाकर आता हूँ, और तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? रोना आ रहा है ना, रो ले। लोग तुझे चुप कराने की कोशिश करेंगे पर तेरे आंसू रुकेंगे नहीं, समझ गई? ए भवानी, तेरी बच्ची तेरी आंखों के सामने कुएं में गिरकर मर गई और तू कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि तू तो कमरे में बंद थी और वो दरवाजा बाहर से बंद करने वाला मैं ही था। याद है मैंने कहा था ना तुझसे, नर्क दिखाऊंगा। जो बच्ची भगवान ने तुझे दी उसे भगवान के पास भेजा मैंने। मैंने तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू वैसी है, तू दरिंदा है, तूने मेरी बच्ची को क्यों मारा? मैं तुझे नहीं छोडूंगी। ए, तो कितने भी आंसू बहा ले कोई तेरी बात नहीं मानेगा। कोई माने या ना माने, लेकिन मेरे पति जरूर मानेंगे, मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगी। जा बोल दे। हमारी बच्ची की मौत का जिम्मेदार वो है। सुनिए, मार डालूंगा उसे, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसको। छोड़ो मुझे भाभी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ो मुझे, मैं उसे काट डालूंगा, मैं उसे छोड़ो मुझे बाबा नहीं। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। चंडाल की खींची हुई लकीर को कोई फकीर भी पार नहीं कर सकता, तो तेरा पति क्या चीज है? नहीं। ये खून किसी और का नहीं, तेरे पति का ही। तेरे पति की जिंदगी अब मेरी मुट्ठी में है। बाबा, दरवाजा खोलिए। घर में कोई नहीं है बेटी? कहाँ गए सब लोग? बाहर गए हुए हैं। माँ, मेरी बच्ची चली गई, अब सब मेरे पति की जान के पीछे पड़े हैं। माँ, मैं क्या करूँ? तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं है। माँ, मदद करो। माँ, भवानी, माँ के माथे पर टीका लगा कर बुलाओ, तुम्हारे बुलाने से माँ जरूर आएंगी, तुम मेरा यकीन करो। भवानी, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। माँ, जब तक मैं तुझे खुद तेरे माथे पे टीका लगा के तुझे ना बुलाऊं, तब तक तू लौट के मत आना। अरे, आप ही ने तो कहा था कि माथे पर टीका लगाने से आप प्रकट होंगी। माँ, अभी आपकी बेटी मुसीबत में है, उसे आपकी जरूरत है। माँ, कहा कि अब वो जीना नहीं चाहता, मैं तो बस उसकी मदद कर रहा हूँ। सुनिए, ये आपको मारना चाहता है, आप इसकी बात मत सुनिए। ए डॉक्टर, मैं तो सोच रहा था कि मैं अपने दोस्त की थोड़ी मदद कर दूंगा,
तेरी पत्नी नहीं चाहती कि तू मरे, फिर भी तू मरना चाहता है, बता क्यों? अब मेरी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है, सुन रही है ना? नहीं, नहीं। सुनो, अब मैं सिर्फ 7 तक गिनने वाला हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही वक्त है, मेरे 7 गिनते ही इसका खेल खत्म। 7 की जरूरत नहीं है, 5 तक गिन सिर्फ। नहीं, नहीं। सिर्फ 5। 1। सुनिए, आप इसकी बातों में मत आइए, ये सब गलत कह रहा है, आप मेरी बात। 2। सुनिए, मेरी बात सुनिए। 3। सुनिए, दीदी, दीदी, उसे रोक लीजिए, आप उसे समझाइए, मेरी मदद कीजिए, दीदी मेरी मदद कीजिए। अब समझ में आया? जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, कोई नहीं बचाने आएगा। 4। सुनिए। 5। सुनिए, मेरी बात सुनिए। खेल खत्म। इन्हें छोड़ दो, इनकी क्या गलती है? तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी, बस इन्हें छोड़ दो। मैंने तुझसे कहा था कि एक दिन आएगा जब तू मेरे पैरों पे गिर के गिड़गिड़ाएगी, तड़पेगी और भीख मांगेगी कि मुझे क्या चाहिए, तब मैं बताऊंगा। अब बोल भवानी, जो मैं कहूंगा वो तू करेगी या नहीं? तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। मुझे चाहिए तू और तेरी जवानी। तेरी जिंदगी मेरे हाथों में होनी चाहिए ताकि मैं जब चाहूं उसका इस्तेमाल कर सकूं। खुद को मेरे हवाले कर दे, मैं तेरा वो हाल करूंगा कि खुद से नफरत करने लगेगी तू, अपनी जिंदगी खत्म करना चाहेगी। आज की रात तेरी देवी माँ के मंदिर में, उसी की आंखों के सामने मैं तेरी आबरू को तार तार करूंगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आज की रात जब घड़ी में 12 बजेंगे, तब तू मेरे लिए खुद मंदिर में चलकर आएगी। आना होगा। अगर तू अपने पति की जिंदगी बचाना चाहती है तो तुझे मेरे पास आना ही होगा। आप ठीक है? आप ठीक है? भवानी, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरी हिम्मत टूट चुकी है भवानी, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मुझे बचा लो भवानी, मुझे बचा लो भवानी, मुझे भवानी, मुझसे वादा करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। भवानी, भवानी, टीका लगाकर अगर तुम दिल से बुलाओगी तो जरूर आएंगी देवी माँ। माँ नहीं आएंगी, माँ दुर्गा काली ने भी हमसे मुंह फेर लिया है, अब हमारे साथ कोई नहीं है, सबने हमसे मुंह फेर लिया, हमारा कोई नहीं है। टीका लगाओ, जरूर आएंगी माँ। कौन बचाएगा? अरे टीका लगा के माँ को बुलाओ ना। आज की रात जब घड़ी में 12 बजेंगे, तब तू मेरे लिए खुद मंदिर में चलकर आएगी। आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। अगर तू अपने पति की जिंदगी बचाना चाहती है तो तुझे मेरे पास आना ही होगा। सूत्र, जब कभी मैं यहाँ ना रहूं और तुम्हें लगे कि कोई मुसीबत आई है तो इसे बांध देना। कहाँ है? कहाँ है? आ, 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 आ,
हाथों की लकीरों में तो कुछ और ही लिखा था, लेकिन मैंने उन लकीरों को बदल दिया। उससे सारी दुनिया डरती होगी, लेकिन ये गोरख दुनिया में किसी से नहीं डरता। अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो तुम्हारे ही सामने मैं इस मंदिर में फांसी लगा के जान दे दूंगी। पर मेरे पति को छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, बस मेरे पति की जान बख्श दो। तू इंसान नहीं, जानवर है। सितारी को तू कमजोरी समझ बैठा है। मैंने तुझे अपना समझकर इस घर में रखा और तूने विश्वासघात किया। मार डालूंगा तुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं मार डालूंगा। क्या हो गया, उठिए ना कृष्ण, बोलिए उठिए ना। चल चल, अब तुझे दिखाऊंगा गोरख की ताकत। सुनिए सुनिए, अगर तू समझती है कि दरवाजे पे ताला लगाकर तू उसे मुझसे बचा लेगी तो पागल है तू। अभी एक मिनट में वो खून की उल्टी करके तेरे सामने दम तोड़ देगा, देख तू। चंडाल चंडाल। Ah!
मेरे आंसू से तेरा दिल अब भी नहीं पिघला माँ, तो मैं अपना खून तुझे समर्पित करती हूँ। जब तक मैं तुझे खुद तेरे माथे पे टीका लगा के तुझे ना बुलाऊं, तब तक तू लौट के मत आना। तुझे लगता है कि तेरी माँ तुझे बचाने आएगी? अरे वो एक मूर्ति है, एक पत्थर है, मेरा कुछ नहीं कर सकती। ए, ए, मेरा क्या बिगाड़ेगी, क्या बिगाड़ेगी मेरा? आ, आना, आ बिगाड़। हिम्मत है तो आजा, 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 दिखा अपनी शक्ति, आजा। देख तेरी माँ को ललकार रहा हूँ मैं, फिर भी वो नहीं आ रही है। मुझे किसी का डर नहीं है, आजा, हिम्मत है तो आ, चलाना, आजा। तब से ये मेरी गोद में ही है। आओ